नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार शेयर की जिसकी कीमत मात्र 14 रुपीज़ है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पूरा वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो कंपनी के शेयर होल्डर ने जो प्रमोटर होल्डिंग बना रखी है वो लगभग 67.21%। उसके बाद हम बात करें कितने शेयर गिरवी रखे गए हैं, तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। उसके बाद अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो कंपनी का मार्केट कैप 97.6 करोड़, पी रेशियो 16.7, कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपया है। और उसके बाद हम बात करें शेयर प्राइस तो 14.9। दोस्तों अगर बात करें रेवेन्यू की, तो कंपनी का रेवेन्यू 18 में 255 था, 19 में 268, 20 में 248 और 21 में 449। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट 1.98 था 18 में, 2019 में प्रॉफिट घटा है, 2020 में 2.80 फिर बढ़ा है, 2021 में ज़बरदस्त स्पाइक देखने को मिला है। तो प्रॉफिट हम कह सकते हैं काफ़ी शानदार है कंपनी का। तो कंपनी प्रॉफिट दे रही है पिछले क्वार्टर से भी और पिछले 1-2 साल से भी। उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी करती क्या। जैसा कि आप देख रहे हैं कंपनी सीट्स बनाती है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो आप ये देख सकते हैं जो मेटल सीट्स हैं, स्टील सीट्स कंपनी ये भी बनाती है। इसके अलावा कोयल्स, मॉस्किटो कोयल्स, ब्लू पाउडर, और ये थोड़ा FMCG सेक्टर में भी कंपनी काम करती है दोस्तों। FMCG का भी थोड़ा प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। तो ओवरऑल कहीं कंपनी नेसेसरी चीज़ें बनाती है, तो कंपनी का फ्यूचर भी हम कह सकते हैं ब्राइट है। तो दोस्तों ओवरव्यू हम कहें तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, लेकिन आप इसमें ज़्यादा अपना अमाउंट न फंसाएं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर 1000 या 2000 तक की ख़रीदारी कर सकते हैं, क्योंकि शेयर थोड़ा हम कह सकते हैं रिस्की है, बट फंडामेंटली ठीक ठाक है। तो आप इसमें अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कंपनी का नाम है मानकसिया कोटेड मेटल्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, मेटल सेक्टर की कंपनी, काफ़ी अच्छी कंपनी है। और शेयर की कीमत अभी आप देख सकते हैं 14.85 है। तो दोस्तों आप इसमें फॉर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म अपनी होल्डिंग अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप वीडियो आपको समझ आया होगा। कीप सपोर्टिंग। इस वीडियो के जरिए मैं किसी भी शेयर को बेचने, खरीदने और होल्ड करने की सलाह नहीं देता।